भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को यूं ही रनिंग मशीन नहीं कहा जाता। वो अपने बल्ले से विरोधी टीम के बॉलरों के छक्के छुड़ाने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने क्रिकेट के इतिहास को ही पलट कर रख दिया है। कोहली ने ऐसा रिकॉर्ड रचा है जिसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी उनसे पिछड़ गए हैं। दरअसल नागपुर वनडे में ओपनर रोहित शर्मा पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हो गए थे। इस मैच में कंगारू गेंदबाजों के सामने एक छोर से भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौटने लगे थे, तभी बाजी हाथ से जाते देख कैप्टन विराट को मैदान में उतरना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने जो रन बनाने शुरू किए उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। कोहली ने 120 गेंदों में 10 चौकों के साथ कुल 116 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत हासिल कराई। ये मैच ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हारना पड़ा, लेकिन इस जीत के साथ ही कोहली एक और रिकॉर्ड के सरताज बन गए और वो रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में वनडे में 40 शतक। जी हाँ, विराट कोहली सबसे कम उम्र में 40 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट से पहले भारत में ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। विराट के इस अचीवमेंट के बाद अब लोग उन्हें मास्टर ब्लास्टर से ऊपर आंकने लगे हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड 33 साल की उम्र में बनाया था, जबकि विराट कोहली ने 30 साल की उम्र में ही ये कीर्तिमान रच डाला। वहीं सचिन ने 40वां शतक 395 पारी में लगाया था, जबकि विराट ने ऐसा 216वीं पारी में ही कर दिखाया है। इतना ही नहीं, शतक के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 409 पारियों में 65 शतक पूरे किए हैं, जबकि मास्टर ब्लास्टर को 65 इंटरनेशनल शतक बनाने के लिए 467 पारियां खेलनी पड़ी थी। हालांकि सचिन ने 65 इंटरनेशनल शतक 29 साल की उम्र में ही बना दिए थे, लेकिन कोहली को ऐसा करने में पूरे 30 साल लगे हैं। और तो और सचिन ने 406 इंटरनेशनल पारियां खेलकर 50 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे, तो वहीं कोहली को ऐसा करने में 409 पारियां लगी है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।